एपिसोड 4 में वाकई ऐसा कर सकता है। देखिए अभी तो हमें वक्त से पहले तो कुछ नहीं पता ना कि मुर्तज़ा क्या कर सकते हैं क्या नहीं। देखिए और मैं बहुत शुरू से ही बात कहती आई हूँ कि दुनिया में हर कोई इंसान ब्लैक और वाइट नहीं हो सकते, ग्रे होता है जरूर, और जो एक्सट्रीम पर्सनालिटीज होती हैं तो फिर उनका ब्लैक एंड वाइट ही होता है। मतलब यू नेवर नो व्हाट मुर्तज़ा इज कैपेबल ऑफ एंड व्हाट मुर्तज़ा डज व्हाई ही डज। अभी हम कमिंग एपिसोड में देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले से चीजों के बारे में इतना परेशान हो जाना इज नॉट गुड, नॉट गुड। इज द प्रोमो मिसलीडिंग, प्लीज क्लियर। प्रोमोस आर देयर टू गिव यू हिंट्स अबाउट नेक्स्ट एपिसोड एंड इट हैज गिवन यू hint of sexual abuse or marital rape or any sort of conflict which you have seen in the promo, the episode will resolve it or maybe the other episodes coming resolve it. koi bhi conflict drama mein agar writer likhta hai to wo resolve bhi karta hai. ab masla ye hai ki sare log anticipate kar rahe hain ki कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्या वही है जो हम सोच रहे हैं इतना एक्सट्रीम जाके ये हो सकता है। तो अब तो ये हम एपिसोड देखेंगे तो हमें बेहतर पता लगेगा। लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है भी, चलिए फॉर इंस्टेंस हम ये बात सोच भी लेते हैं कि चलिए एक दफा के लिए कि अगर ऐसा हुआ भी है आगे वो रिजॉल्व भी तो होगा ना, अगर अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है या अगर सिर्फ ही हैज लाइक स्लैप्ड हीरा या फिर स्लैप्ड हीरा या फिर हीरा ही हैज बीटन हर अप इट्स स्टिल दैट्स आल्सो वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट एंड आई थिंक शादियों में अक्सर ऐसा हो जाता है। हैप्पी एंडिंग होगा कि नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग होगा, क्यों नहीं होगा।